आए आपको प्रयागराज के घोरपुर की ओर ले चलते, जहां एक दिन की बारिश से सब्जियों के भाव में भारी भरकम उछाल। बारिश के कारण जहां हर तरफ केवल नुकसान ही दिख रहा है, तो वहीं केवल एक ही दिन की बारिश में सब्जियों के भाव भी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखे। जैसा सब्जी मंडी में आढ़त चला रहे सब्जी व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि बारिश के कारण हर सब्जी का भाव 4 से 5 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़ा है। जहां एक दिन पहले नई आलू 1700 रुपए प्रति क्विंटल थी, आज वहीं आलू का भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। इसी प्रकार टमाटर, प्याज, अदरक, गोभी, बैंगन, पालक, धनिया, सोवा मिर्ची आदि सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ गए। वहीं व्यापारियों ने बताया कि अगर 1-2 दिन और बारिश होती रही तो सब्जी के भाव और ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। मौसम बदलाव हुआ है, ये मौसम के बदलाव हुए मतलब कि क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदा है, जैसे कि आज मंडी में जो भीड़ दिखाई दे रही है। देखो सब्जी के महंगाई है, महंगाई की वजह से कस्टमर कम आएंगे, बिक्री कम है। और रही बात मौसम, जो मौसम है तो देखो फसल के लिए तो फायदेमंद है, व्यापार लाइन में नुकसान है। उसमें व्यापार लाइन में क्या नुकसान है दादाजी, थोड़ा कुछ बताएंगे? नुकसान ये है जैसे आज महंगी हो गई, कल हम ले गए थे 16-17 रुपए के, हाँ आज हम 2500 रुपये लेंगे, कभी लेंगे कोई नहीं लेगा, तो आज महंगी की वजह से थोड़ा कस्टमर भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। ठंड मतलब कि काफ़ी प्रभाव, ठंड तो है ही है, ठंड का मौसम, ठंड तो उतना नहीं है, फिर भी जितना होना चाहिए उतना ठंड नहीं है, पर महंगाई की वजह से ये भाग रहे हैं। ठंड तो हल्का है, ठंड तो रहने के लिए बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हुआ, इसके पे बिजनेस पे क्या असर पड़ा हुआ है? बिजनेस में सब बाजार हाई भाई हो गया है, और बरसात की वजह से खुदाई नहीं हो रही है, मिर्चा की तोड़ाई नहीं हो रही है, इस वजह से बाजार में सब हाई पैसे नहीं। कल की अपेक्षा आज कितनी महंगाई आई? आज जो है कल 1700 आलू थी, आज 2400 भी का, प्याज कल 5500 थी, आज 6500 भी का, 7000 तक भी किया। मतलब हर सौदे में आज महंगाई है? आज महंगाई है। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति वो भी ठंड के मारे तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो फल लगा हुआ है वही खेत में पड़ा हुआ है। आपका नाम?